आज रामनवमी है और यहाँ पे हर एक भारत में यहाँ पे उत्सव जा रहा है। राधा माधव मंदिर रात को तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बहुत ही अद्भुत दृश्य, ऐसा लग रहा है कि सोने के मंदिर में आ गए। हरे कृष्णा। भाई आज हम आए रामनवमी के दिन राधा माधव मंदिर और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, भक्तिमय माहौल है। वहाँ पे प्रवचन चल रहा है और ये खूबसूरत लाइटिंग की है। देखिए आज रामनवमी का त्यौहार बहुत ही भक्तिमय वातावरण। हरे कृष्ण हरे राम। और आज रामनवमी है और हम आए हैं यहाँ पे ये त्यौहार मनाने के लिए। और ये राधा माधव मंदिर है भारत में जो आया हुआ है। तो इससे पहले ही हमने ये संडे को मैं आया था तो वहाँ पे जो अक्षय पात्र करके जो प्रोग्राम चल रहा है उसका जो किचन है वो किचन का पूरा शूट किया है और वो मेरी चैनल पे है तो आप देखिए। तो आज रामनवमी महाराज जी ने बोला था कि आज आओ और देखो रामनवमी का त्यौहार है तो फिर आज आए हैं। तो यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही भक्तिमय माहौल है, बहुत ही अच्छा फील होता है, मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो आप भी आइए यहाँ पे, अच्छा लगेगा और अपने परिवार Thank you.
इधर आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं हर क्षण में, कोई उसको गिन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान के अनेक अवतार इस सृष्टि के अंदर अवतरित करते हैं। अवतार करना मतलब वो कहीं और से यहाँ आते हैं। भौतिक जगत में वो अवतारते हैं मतलब वो इस भौतिक जगत के निवासी नहीं है। देखिए यहाँ पे आप ये कुर्ते मिलते हैं भगवान के नाम पे, और ये यहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है। देखिए चंदन, और ये देखिए किचन है, और ये बाल गोपाल कृष्ण के हार और मुकुट। काफी खूबसूरत यहाँ पे गिर गाय का शुद्ध घी भी मिलता है, और ये यहाँ पे फूड कोर्ट जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुकीज और केक जैसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और आज रामनवमी है तो सब आए हैं मेहमान, और सब डिओडीज। और यहाँ पे देखिए वेज पुलाव, पाव भाजी, चना कुलचा, फिर पानी पूरी, देखिए सब गर्मा गर्म यहाँ पे मिलता है। आइए पानी पूरी भी यहाँ पे मिलती है भाई, तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ जाएगी पानी पूरी खाने में। कैश काउंटर, और ये यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा और सैंडविचेस वो भी मिलता है यहाँ पे, और आपको समोसे खाने का शौक़ हो तो वो भी यहाँ पे मिलते हैं। भाई भूख लगी है इसलिए यहाँ पे दाबेली ऑर्डर किए अभी। दाबेली खाएंगे और फिर वापस घर पे जाएंगे। यहाँ पे मंदिर की जो गौशाला है उसमें से ये सब चीज़ें बनाई जाती है, राधा माधव गौशाला, आइसक्रीम, देखो यहाँ पे माखन भी मिलता है। और ये रेट है, काफी शुद्ध चीजें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे घी, गिर की गायों का घी भी यहाँ पे मिलता है। ये देखिए जो मंदिर की गौशाला है उनके गायों से ही ये सब चीज़ें बना लीजिए। और ये थोड़ा वेस्टर्न टाइप का डोनट्स और वो सब भी यहाँ पे मिलता है, वेस्टर्न फूड। और ये कुकीज और वो सब है। आज रामनवमी के पावन अवसर पर हम आए हैं बारज मंदिर, और अंदर बहुत
अच्छी तरह से भगवान को सजाया हुआ है और इतना अच्छा दर्शन हुआ कि मन को इतनी तसल्ली हो गई कि नहीं आज अच्छे से शांति से दर्शन हो गए हैं। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से लाइटिंग किया है, जैसे सच में राम का जन्म यहाँ हो रहा हो ऐसा मतलब फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज दर्शन करके और मन को सुकून मिलता है। इतना वातावरण, इतना मतलब शहर से इतना दूर है ना भारत मंदिर, तो इतना बहुत ही शांतिमय वातावरण है यहाँ पर। आप भी आओ, दर्शन करो, आपको भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और पीछे मंत्रोच्चार चावन चालू है यहाँ पे, यहाँ पे अभी तो पूरा वातावरण ऐसा एकदम भक्तिमय और एकदम क्या है शुद्ध वातावरण लगता है। और सारी चिंताएं सारी मुसीबतें जैसे लगता है कि थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। तो आइए आप यहाँ पे दर्शन कीजिए हरे कृष्ण मंदिर बाड़ज, अच्छा लगेगा और शांति भी मिलेगी। ओके गाइस चलो, ओके गाइस चलो फिर चलते हैं अभी घर। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर मंदिर आके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना अलबेला अहमदाबादी। ओके गाइस तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा।